स्मोकिंग एक बहुत बुरा व्यसन है, रादर मान सकते हैं कि सबसे बुरे एडिक्शन या व्यसन में आता है। जिन लोगों में स्मोकिंग का प्रॉब्लम होता है उनको कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड बहुत सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट, हम जब भी स्मोकिंग करने के बाद सांस लेते हैं तो हमारी सांस के साथ वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। स्मोकिंग में जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं वो अलग अलग सिस्टम में घुल जाते हैं, तो इससे अलग अलग तरह के कैंसर होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ कहने की या सुनने की बातें नहीं है कि गवर्नमेंट हमको डराने के लिए बोल रही है कि भाई स्मोकिंग से कैंसर हो जाता है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि बहुत ज़्यादा केसेस में कैंसर होता है स्मोकिंग रिलेटेड। इनफैक्ट लंग कैंसर के पेशेंट्स में आप मान के चलिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जिनको कैंसर होता है या लंग कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है। 10-15% या 20% ही पेशेंट मैक्सिमम लंग कैंसर के ऐसे होते होंगे जो स्मोकर्स नहीं होते, जिनको कैंसर नहीं मतलब निकल जाता है बिना स्मोकिंग के दूसरे कारणों से या पोल्यूशन रिलेटेड उनको कैंसर होता है। पर ज़्यादातर केस में आपको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है। इसीलिए अगर आप अपने बॉडी के कैंसर के रिस्क को कम करना चाहते हैं, अपने लाइफस्टाइल के दौरान आप चाहते हैं कि आपको अलग अलग तरह के कैंसर्स ना हो, तो आपको स्मोकिंग को बंद करना चाहिए। और लगभग दुनिया भर में होने वाले कैंसर्स में 90% में स्मोकिंग का कहीं ना कहीं इंक्रिमिनेशन होता है, कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। खासकर सबसे इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर में। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर, गले का या थ्रोट का कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, किडनी कैंसर और लिवर कैंसर, ये सब में ही स्मोकिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। स्मोकिंग में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो बॉडी के डीएनए को चेंज कर देते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर्स को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से जब हम स्मोक करते हैं तो ये सारा डीएनए जो है ये सारे सेल्स मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो वो उनका ग्रोथ जो है अनकंट्रोल्ड वे में होने लगता है, बहुत ज़्यादा सेल्स बॉडी में बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है और व्यक्ति की जान का खतरा हो जाता है। तो इसलिए जब कभी भी किसी को कैंसर से अगर अपने आप को बचाना है तो स्मोकिंग से आपको बचना पड़ेगा। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड हैंड स्मोक का भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितना फर्स्ट हैंड स्मोक का। अगर आदमी खुद स्मोक कर रहा है तो डेफिनेटली उसको तो कैंसर का रिस्क होगा ही होगा, बाकियों के कंपैरिजन से कई गुना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपकी परिवार में कोई और स्मोक कर रहा है तो भी डेंजरस है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका स्पाउस या आपकी फैमिली में कोई और व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रेगुलरली स्मोक करता है, वो स्मोक आपकी फैमिली के बाकी लोग भी इनहेल करते हैं, बच्चे लोग भी इनहेल करते हैं, तो उनकी बॉडी में वो स्मोक जाता रहता है, जमा होते रहता है। उस बंदे ने जिसकी बॉडी में वो स्मोक जा रहा है कभी स्मोकिंग नहीं की, कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको भी कैंसर होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए स्मोकिंग ऐसा चीज़ नहीं है कि वो खाली जो स्मोक कर रहा है उसको सजा देता है, वो उनको भी सजा देता है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके फैमिली वालों को भी सजा मिलती है ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए जो स्मोकिंग करता है। तो इसलिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी आप स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछोगे तो वो बोलेंगे हमने तो कभी नहीं पिया, लेकिन पता चलता है उनकी फैमिली में किसी और का आदत थी जो बहुत ज़्यादा पीता था, उसको कैंसर हुआ या नहीं हुआ लेकिन सेकेंड हैंड स्मोक से किसी और को कैंसर हो गया, ऐसा हो सकता है। हर व्यक्ति का कैंसर का रिस्पॉन्स स्मोकिंग से अलग अलग हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो स्मोक करता है सबको कैंसर हो जाए। हर व्यक्ति को ज़्यादा स्मोक करने से ऑब्वियसली रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन हर व्यक्ति जो ज़्यादा स्मोक करता है आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि फलाना व्यक्ति तो दिन भर में 10 पैकेट पी जाता है उसको कैंसर नहीं हुआ तो मुझे क्यों होगा, ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति के इन टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने का पैटर्न अलग अलग होता है, उसकी ताकत अलग अलग होती है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म अलग अलग होती है, इसलिए किसी को प्रॉब्लम होती है किसी को नहीं होती है। तो इसलिए आप ये नहीं प्रिज्यूम कर सकते कि वो 10 पैकेट पी लेता है उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा इसलिए मैं स्मोकिंग करना चालू करता हूँ, वैसा नहीं होगा। आपकी बॉडी की कैपेसिटी अलग है और जब हो जाएगा कैंसर तब उसका कोई इलाज नहीं है, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो ही जाती है, तो इसलिए आपको पहले से एक प्रिकॉशन रखे तो ज़्यादा अच्छा है। लंग कैंसर स्मोकिंग से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि स्मोकिंग के साथ बहुत सारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बॉडी में जाते हैं, यानी पीएच जाते हैं, नाइट्रोसमीन्स और बेंजीन करके प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी में जाते हैं स्मोकिंग के साथ। ये बॉडी के जीन्स में म्यूटेशन कर सकते हैं जिसकी वजह से लंग कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा आप स्मोकिंग करते हैं, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिगरेट्स आप स्मोक करते हैं, जितना ड्यूरेशन ऑफ ईयर्स आपका स्मोकिंग का हो जाता है उतना आपका लंग कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपने स्मोकिंग किया उसके बाद छोड़ने के बाद भी आपका लंग कैंसर का रिस्क जो है पूरी तरह से नॉर्मल होने में लगभग 10 साल जैसे लगते हैं। मान के चलिए कि अगर आप स्मोकिंग करना आज से बंद भी कर देते हैं तो आपका स्मोकिंग छोड़ने के बाद जो रिस्क कम होगा वो 10 साल में भी मैक्सिमम से 50% ही कम होगा, उसके बाद भी थोड़ा डैमेज तो जो रहता है वो परमानेंट ही हो जाता है। तो इसलिए जो जेनेटिक चेंज जिसकी वजह से होते हैं वो हम पहले से ही अगर बचा के रखें तो अच्छा है,
अगर आप करते रहेंगे तो फिर उसके बाद अगर जेनेटिक चेंजेस हो गए तो उसको रिवर्स नहीं कर सकते। स्मोकिंग इसके अलावा ब्लैडर कैंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग यूरोजेनिटल ट्रैक के सारे सेल्स को भी डीएनए के म्यूटेशन कर देता है। इस वजह से स्मोकर्स लोग को ब्लैडर कैंसर होने का चांस भी काफी कॉमन है। ब्लैडर कैंसर का जो रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे कॉमन या सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर स्मोकिंग को ही माना जाता है। इसके अलावा मुंह का कैंसर या गले का कैंसर भी स्मोकिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा होता है। स्मोकिंग जब हम करते हैं तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो मुंह में जाते हैं, अंदर के सेल्स को जला देते हैं, गला देते हैं, उनके डीएनए को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो लोग टोबैको नहीं खाते और स्मोकिंग नहीं करते उसमें ओरल कैंसर या मुंह का कैंसर होने का चांस कंपेरेटिवली काफी रेयर रहता है। तो इसलिए आपको एज फार एज पॉसिबल अगर मुंह के कैंसर से बचना है तो स्मोकिंग आपको बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक कैंसर। स्मोकिंग से पैनक्रियाज में भी कैंसर होता है, पैनक्रियाज के सेल्स को भी ये डैमेज करता है, जिससे लंबे समय में पैनक्रियाटिक कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। पैनक्रियाज के कैंसर में भी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग को माना जाता है। नेक्स्ट है किडनी का कैंसर। किडनी के सेल्स में भी जेनेटिक म्यूटेशन कर सकता है स्मोकिंग की वजह से, इसकी वजह से किडनी का कैंसर भी स्मोकर्स में ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से लिवर का कैंसर भी स्मोकर्स में ज़्यादा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन और साथ में अगर स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर है तो उसको कैंसर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, यानी बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स के चांसेस को भी ये और कई गुना बढ़ा देता है, तो कैंसर और ज़्यादा प्रबल हो जाता है, कैंसर होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। और आपको स्मोकिंग बंद करने से डेफिनेटली फायदा मिलता है, कुछ हद तक एटलीस्ट आपको कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की स्मोकिंग से रिलेटेड कैंसर के बारे में। यदि आप कैंसर के रिस्क को काफी हद तक कम करना चाहते हैं, एटलीस्ट 80-90% तक कम करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स इवन टोबैको चूज करने से भी बहुत ज्यादा कैंसर होने का चांस होता है, तो आप इसको बंद करेंगे तो कैंसर होने का चांस काफी हद तक कम हो जाएगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस चैनल को, इस टॉपिक को देखा। आपको डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, उसको तुरंत आप देख सकते हैं और हमारे यूट्यूब लाइव सेशन में पार्ट ले सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स का डिटेल्स नहीं चाहते, उनको ब्रीफ समरी चाहिए कि उतना टेक्निकल डिटेल्स नहीं जानना, शॉर्ट में बताओ, तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स में सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको 1 मिनट में देते हैं। आप ये शॉर्ट्स को देख सकते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं, और ये सारे शॉर्ट्स हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी रेगुलर बेस पे अपलोड कर रहे हैं रील्स के फॉर्म में, आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये हेल्थ टिप्स के फॉर्म में मिलेगा, आप इसको फ्रेंड्स रिलेटिव का शेयर कर सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि सारे कंटेंट्स के बीच में आपके मतलब के टॉपिक ढूंढने में आपको दिक्कत आ रही है, तो सबसे आसान तरीका उसका ये है कि चैनल को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। इसमें बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर जाइए जिससे रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, तो आपको ज़्यादा रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और आपको आपकी बीमारी से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। बाकी बीमारियाँ जिनसे आपकी फैमिली या आप सफ़र नहीं करते वो टॉपिक्स में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा।